सांसद क्रिकेट कप 2021 का होगा आयोजन। मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों की टीम होगी शामिल। जिला मुख्यालय के महात्मा गांधी स्टेडियम में अंतर्राज्यीय क्रिकेट प्रतियोगिता सांसद कप 2021 का शुभारंभ 5 मार्च से होगा। इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों की टीम होगी शामिल। 15 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता को लेकर जिले के क्रिकेट खिलाड़ियों में काफी उत्साह और उमंग। ये बात पत्रकार वार्ता में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कही। उन्होंने बताया, इस प्रतियोगिता के विजेता टीम को 1,01,000 रुपए का पुरस्कार और उप विजेता को टीम को 51,000 रुपए का पुरस्कार देने का निर्णय आयोजक टीम ने लिया। प्रतियोगिता में प्रतिभागी टीमों से किसी भी प्रकार के प्रवेश शुल्क नहीं लेने का निर्णय लिया गया। सांसद कप आयोजन समिति द्वारा टीम के खिलाड़ियों के लिए निःशुल्क आवास, भोजन और खेल मैदान तक आने जाने के लिए बेहतर संसाधनों की व्यवस्था की है। सांसद कप आयोजन में JMD यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन का विशेष रूप से सहयोग रहेगा। आयोजन टीम के सदस्यों ने अवगत कराया, लंबे अरसे के बाद अंतर्राज्यीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन जिला मुख्यालय में आयोजित किया जा रहा, जिसमें जिले की सभी क्रिकेट टीमों के सदस्यों का मार्गदर्शन और सहयोग से ये आयोजन होगा। इस वर्ष पर सांसद कप के प्रचार हेतु निर्मित कैलेंडर का विमोचन किया गया। पत्रकार वार्ता में जिले के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के पत्रकारगण उपस्थित थे, जिसमें विभिन्न अंतर्राज्यीय लेदर बॉल प्रतियोगिता क्रिकेट टूर्नामेंट रखा गया है, जिसमें अपन 16 टीमों को इनवाइट कर रहे हैं, जिसमें प्रॉपर मंडला से 4 टीमें और अपने महाकौशल प्रांत से 6 टीमें, और जो 6 टीमें हैं वो देश भर से आ रही हैं अपने यहाँ के अंतर्राज्यीय लेदर बॉल T20 क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। JMD यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा, और इसमें जो विजेता टीम है उस विजेता टीम को 1,00,000 रुपये पहला पुरस्कार और उप विजेता टीम को 51,000 का नगद पुरस्कार है। और ये स्थान जो तय ने किया है महात्मा गांधी स्टेडियम मंडला, और इसका शुभारंभ होगा 5 तारीख को दोपहर में, 5 मार्च के शुक्रवार को दोपहर में शुभारंभ होगा। टोटल अभी तक के जो इनके पास जो पंजीयन हुए हैं उसमें टोटल करीब 16 टीमें भाग लेंगी। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे अन्य, और ये पूरा टूर्नामेंट लगभग 15 दिन तक ही चलेगा। और एक नया प्रयोग है इस प्रकार का, इससे सांसद कप अंतर्राज्यीय ये जो टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें हम चाहते हैं कि जो हमारे बाहर के प्रतिभागी हैं, टीम है, वो सब, और उसमें लगभग जैसे मैंने कहा कि 16 टीमें भाग लें, और उसमें अपने मंडला स्टेडियम को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि इसे संसद कप टूर्नामेंट में यहाँ पर शामिल होने के लिए। और इसलिए आज विशेषकर आप सब लोगों से भी हम चाहते हैं कि इसके बारे में जो भी सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, आप सब लोगों तक पहुँचे, और आप सब इस कार्यक्रम में रहें। 5 तारीख को मैं रहूँगा, और एक जब समापन होगा तो एक समापन के अवसर पर मैं उपस्थित रहूँगा। बाकी जो अन्य हमारे लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, वो समय समय में बीच बीच से खिलाड़ियों के उत्साह वर्धन के लिए वो भी उपस्थित रहेंगे। इसका ओपनिंग होगा मार्च को और लगभग 15 दिन तक ये चलेगा, और इसका समापन 19-20 के आसपास आएगा। और इस पे हमारे देश के अन्य राज्यों की टीम भी भाग लेगी, और जो पहला इनाम होगा वो 1,00,000 रुपए का नगद इनाम है, और दूसरा जो होगा वो 51,000 रुपए का इनाम होगा। अभी तक के जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो हमारे पास टीमों की संख्या आई है, जो अभी सूचना है, वो करीब करीब 16 टीमों की है, हो सकता है बढ़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार की पूरी गतिविधियों को एक बार है प्रारंभ कर रहे हैं सांसद कप के माध्यम से, और ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट होगा।
अगर इस समय हट के बात करूँ कि दिग्विजय सिंह के बयान जो चुनाव आयोग से मांग की है उन्होंने, और ये कहा है कि जो मत पत्र है मतलब चुनाव जो है वो मत पत्र से किए जाएँ, क्या कहना चाहेंगे दिग्विजय सिंह के बारे में? अब देखिए, पहले शिकायत होती थी मत पत्रों के बारे में, बैलेट पेपर बदल दिए जाते हैं, कभी उनमें फर्जी सील लगा दिए जाते हैं, तो ऐसे अनेक तरह की शिकायतें होती थी। और इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लागू किया गया देश में। और मुझे लगता है कि देखिए, अभी तक का जो भी रिस्पॉन्स आया है, लोग बड़ी संख्या में इनमें वोटिंग में भाग लेते हैं, लोगों का उत्साह भी रहता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन से, और ईवीएम के प्रति भी लोगों का विश्वास जागा है, और उसमें पारदर्शिता भी है, और निर्वाचन आयोग ने इसको और थोड़ा सिस्टम को अपडेट किया है। और मुझे लगता है कि अब पता नहीं दिग्विजय सिंह जी ने क्या सोच करके ऐसा कहा, ये तो वही ठीक से बता पाएंगे, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि देश बदला है, और अगर अपराधी प्रकरण का व्यक्ति इस प्रकार का कोई कृत्य करता है या उसमें इस प्रकार की भू आती है, तो उस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। खबर भारतवर्ष के लिए मंडला से भुवनेश्वर केवट की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।